अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज हम बना रहे हैं कराची वालों की मज़ेदार डिश जिसका नाम है चाई बीफ हलीम। आप लोगों ने बहुत सी मशहूर जगहों के हलीम खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ईजी और मज़ेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी तमाम रेसिपीज आसानी आप तक पहुंच सके। अब हलीम के कोरमे के लिए जिन अज़ा की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो अज़ा ये हैं, सबसे पहले हम हलीम का बीफ कोरमा तैयार करेंगे। उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 6 से 8 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैं पतली पतली मैंने काट ली है, बारीक बारीक देखें, ये मैंने ऐसे काट ली है। 6 से 8 मैंने प्याज ली है, और ये एक प्याली मैंने लहसुन छीला है, एक प्याली पूरी हमें एक प्याली लहसुन की लेनी है, और एक प्याली हमने अदरक की ली है जो बारीक बारीक मैंने काट लिया है इसको। और ये हसबे ज़रूरत हमें नमक यूज़ करना है, जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप खाते हैं उतना इस्तेमाल कीजिएगा। और ये एक प्याली मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और एक प्याली मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और ये मैंने एक प्याली हल्दी ली है जो आप देख रहे हैं, और ये मैंने ऑयल लिया है, 1 किलो ऑयल है इसमें। जितना हमें डालना होगा कोरमे में डालेंगे, बाकी थोड़ा सा हम बचा लेंगे इसमें फ्राई करने के लिए। प्याज आखिर में फ्राई करके हलीम में डाली जाती है, उसके लिए थोड़ा सा हम ऑयल बचाएंगे। तकरीबन 1 किलो ऑयल की हमें ज़रूरत है। और ये मैंने तेज़पात पत्ते लिए, और ये 2 मैंने किसी भी ब्रांड के, आप ही ले सकते हैं मसालों के पैकेट, जो आपको टेस्ट पसंद हो उस ब्रांड के ले सकते हैं। ये 2 मैंने पैकेट किसी अच्छे ब्रांड के लिए हैं, और ये तेज़पात पत्ते लिए हैं, और ये मैंने 5 किलो बीफ का गोश्त लिया है, साफ़ सुथरा गोश्त है, बिल्कुल देख सकते हैं पिंक कलर का गोश्त है ये, 5 किलो गोश्त है ये मैंने जो लिया है, और धो धा के साफ सुथरा करके रखा हुआ है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले मैं प्याज अदरक और लहसुन तीनों को मिक्स करके इसमें ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये हलीम के कोरमे के लिए हमें किसी भी प्याज पिसा हुआ अदरक पिसा हुआ लहसुन ये डालना पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके जग में डाल के इसको ग्राइंड करूँगी। अभी देखें आप, ये इसको मैं पीसूंगी, पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा इसमें मैंने ये पानी ऐड कर दिया, ये पानी ऐड कर दिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। ये देखें आप, गोश्त डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन और प्याज को ग्राइंड कर लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गोश्त ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है, अब मैं ये पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आज हम बना रहे हैं शाही देगी हलीम, उसके लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें सब डाल दिए, प्याज मिर्चे में डाल दिए, अब इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, अब इसमें हसबे जायका नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ये डाला मैंने, 2 स्पून डाल दिया मैंने, ये 3 स्पून डाल दिया। अभी मैंने इतना डाला, बाद में आप टेस्ट करके देख सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे नमक। अब मैं इसके अंदर ये पैकेट वाले मसाले ऐड कर रही हूँ, 2 पैकेट मैंने लिए हैं, और ये मैं तेज़पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें ऐड कर दिए मैंने। उसके अंदर मैं 1/2 ऑयल जो मैंने रखा था 1 किलो, तो मैं 1/2 मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 मैंने बचा लिया है, क्योंकि लास्ट में हमने प्याज फ्राई करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये पानी ऐड करूँगी, फिर इसमें पानी ऐड करूँगी, और मैं इसको कवर करके फ्लेम थोड़ी कम करके रखूँगी, ताकि हमारा गोश्त सही दे अच्छी तरह से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अब हमारा कोरमा भी अच्छा कलर आ गया इसके अंदर, रेडी हो रहा है। ये मैंने कम से कम 3 से 4 जग भर के पानी के इसमें डाल दिए थे गोश्त गलने के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये कोरमा हमारा रेडी हो रहा है, चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है रेडी होने के लिए। अब हम आते हैं देगी हलीम की तरफ, हमें किन सामान अज़ा की ज़रूरत है वो हम डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, शाही देगी हलीम के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है वो सब ये है, मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये हमने गेहूँ लिया है, साफ़ सुथरा अच्छी शॉप से मैंने गेहूँ लिया है, ये बिल्कुल इसमें कचरा नहीं, साफ़ सुथरा गेहूँ। ये हमने 1.5 किलो गेहूँ लिया है, ये देख सकते हैं आप गेहूँ इतना साफ़ सुथरा हो रहा है, ये मैंने 1.5 किलो लिया है।
और ये जो है जो हमने ये भी उसी शॉप से लिए साफ सुथरी जो है बिल्कुल, ये मैंने लिए 1 किलो, ये देखें साफ सुथरी जो है बिल्कुल, ये 1 किलो लिए मैंने। और ये है चने की दाल, ये भी मैंने उसी शॉप से लिए, ये भी चने की दाल मैंने 1 किलो लिए, सही है। अब ये मैंने मूंग की दाल है जो मैंने ली है, मूंग की दाल 1/2 किलो, ये भी साफ सुथरी उसी शॉप से लिए, देखें कितनी साफ सुथरी हो रही दाल बिल्कुल। और ये मसूर की दाल है, ये मैंने 1/2 किलो लिए, ये भी उसी शॉप से लिए, देखिए कितनी साफ सुथरी दाल हो रही है ये भी। और ये माश की दाल है, ये भी मैंने 1/2 किलो लिए, ये देखें कितनी साफ सुथरी हो रही है। और ये चावल लिए हैं मैंने 1 पाव, ये भी साफ सुथरी उसी शॉप से लिए हैं, ये चावल है 1 पाव चावल इसमें ऐड होंगे। और ये मैंने हरी मिर्च साफ सुथरी धो के रख ली थी पहले से, ये काट के रखी हुई है, ये पुदीने की पत्तियाँ साफ करके रखी हुई, इसको हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें गल जाएंगी, गेहूँ जो चने की दाल ये सारी दालें हमारी गल जाएंगी, तब हम उसको आखिर में लास्ट में ये पुदीना और हरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए 5 ही किलो ये सब गेहूँ और जो दालें वगैरह सब मिला के 5 किलो टोटल ये सामान हो गया इसका। और 5 ही किलो हमने गोश्त लिया था, यानी हम वजन लेंगे 5 किलो गोश्त लेंगे तो 5 ही किलो ये सब सामान ऐड करेंगे। तो आप इसी हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। 5 किलो मैंने गोश्त लिया बगैर हड्डी का, बिल्कुल साफ सुथरा गोश्त था, और 5 ही किलो एक सामान मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम देख की तरफ चल लिया था, ये आधी देख सकते हैं मैंने पानी लिया है, बॉईल करके कर लिया इसको, बॉईल हो रहा देख सकते हैं आप। उसमें मैं सबसे पहले ये गेहूँ ऐड करूँगी इसके अंदर, तो गेहूँ मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं जो ऐड करूँगी इसमें देखें, अब इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आप लोग ये सोच लेंगे ये मैंने भिगोई भी नहीं है दालें गेहूँ जो कुछ भी नहीं भिगोया, आप हैरत अंगेज हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बनाते हैं हलीम वो जो पहले से उसको 6 से 8 घंटे तक भिगोते हैं दालों को भी गेहूँ को भी जो को भी, लेकिन मेरा बनाने का तरीका बिल्कुल मुनफरिद है। आप खुद देख रहे हैं कि मैंने ना दालों को भिगोया है, ना ही मैंने गेहूँ को भिगोया है, ना ही मैंने जौ को भिगोया है, क्योंकि भिगोने से ये जो ना सख्त हो जाती है, बिल्कुल सख्त हो जाती है दालें और देर से गलती हैं और हलीम बनने में बहुत परेशानी होती है, बहुत लेट हलीम बनता है। और ये देखिए झटपट हमारा हलीम 8 घंटों में 6 से 8 घंटे में मेरा ये देखिए हलीम रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसको इसीलिए नहीं भिगोया क्योंकि अच्छी जगह से लेने का मैं बार बार आपको इसीलिए रिपीट कर रही थी कि अच्छी जगह से साफ सुथरी दालें साफ सुथरा सामान आप लेंगे तो आप ना इसको भिगोने की ज़रूरत है 6 से 8 घंटे, ना इसको आपको धोने की ज़रूरत है, बस आप ऐसी साफ सुथरी करके आप इसको डाल दें जिस तरह मैंने डाला है। और आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा हलीम, फिर आप बोलेंगे वाकई क्या शाही देखिए हलीम बना है ए हलीम। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ सब सामान डाल के, ये कवर कर रही हूँ आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊँगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह भी आप देख सकते हैं ये हमारी चने की दाल जो और गेहूँ अच्छे से बिल्कुल 50% तकरीबन ये गल चुकी हैं, याद देखें 50% गल चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी छोटी दालें हैं लाल दाल वो मसूर की दाल रह गई है, मूंग की दाल है और माश की दाल, ये मैं इसमें ऐड करूंगी, अच्छी खासी गल गई हैं देखें आप, बिल्कुल गल चुकी हैं 50% गल गई हैं। ऐसे मैं मसूर की दाल ऐड करूंगी, मसूर दाल ऐड कर दी इसके अंदर मैंने। अब इसके अंदर मैं ये माश की दाल इसमें ऐड करूंगी, आप देखें ये माश की दाल है, ये देखिए माश की दाल है, अब ये मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं मूंग की दाल ऐड करूंगी, अब इसमें ये देखिए मूंग की दाल है, अब ये इसमें मैं ऐड करूंगी। अब इसको मैं कवर करके इसको रख दूंगी, इसको मैं कवर करके रख दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी दालें सारी फट चुकी हैं, ये देखिए सारी दालें जो मैंने डाली थी सब अच्छी तरह फट चुकी हैं। अब मैं इसमें लास्ट में चावल डालूँगी, चावल डालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट बाद मैं इसको घुटाई करना शुरू कर दूँगी, हम इसको कवर कर देती हूँ, डालने के बाद 10 से 15 मिनट बाद इसकी हम घुटाई शुरू कर दूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, ये हमने गुठाई शुरू कर दी है मैंने इसकी, अभी गुठाई कर रही हूँ मैं इसकी। इसके साथ साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दूंगी, ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ ताकि टेस्ट के लिए। हरी मिर्ची होती है मैंने काट के रखी हुई थी पहले से, आपको दिखाई थी शुरू में, अभी हरी मिर्ची भी इसमें गुठाई कर रही हूँ मैं। अब इसी के साथ साथ मैं पुदीना भी इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें पुदीने की खुशबू शामिल हो जाए। पुदीना खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए डाला जाता है और टेस्ट के लिए भी डाला जाता है, इन चीज़ों को डाला जाता है। ये भी डाल के मैं इसको और से गुठाई कर रही हूँ। गुठाई तो ये लेडीज़ ज़्यादा कर नहीं चाहती, मैं अपने हस्बैंड से करवाऊँगी गुठाई, ताकि कुछ मैं करूँगी कुछ मेरे हस्बैंड करेंगे। गुठाई बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल मरहला देखी शाही देखी हलीम में गुठाई का ही होता है, सबसे मुश्किल मरहला यही होता है, जो लेडीज़ नहीं कर सकती ये जेंट्स ही कर सकते हैं। नहीं फिर भी मैं इसमें अपने हस्बैंड के साथ उनकी हेल्प करूंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जैक कॉर्नर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतने अच्छे तरीके से मैंने गोश्त को गला लिया है, बिल्कुल इसी के अंदर बोटियां बिल्कुल सारी नरम हो गई। बोटियां देखें आप, नर्म कर दी मैंने बोटियां, इतनी अच्छी तरह इसको गलाया। इतनी देर में मैंने वो जो वगैरह गेहूँ इसको उस दीप के अंदर डाल के पकाया और इतनी देर में मेरा ये कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसमें निकालूंगी, इस बर्तन में निकाल के इसको मैं ऐसा ऐसा करके ले आके उस दीप पे ये कोरमा ले आके इसमें मिक्स कर दूंगी और गुठाई इसकी शुरू हो गई है। और मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा ये हलीम, आपको बहुत पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा आप जो मशहूर जगहों की हलीम खाते हैं सब भूल जाएंगे वहाँ के खाना। मैं इस तरीके से बनाएगा जिस तरीके से मैंने बनाया, सेम इसी तरीके से आप हलीम बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनाएगा। लोग फरमाइश कर करके बनवाएंगे आपसे, अगर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाया हलीम तो लोग फरमाइश कर करके बनवा के खाया करेंगे हलीम आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है, मैं तो हर साल यही हलीम बनाती हूँ तो लोग फरमाइश कर करके हलीम बनवाते हैं और हर साल खाते हैं हमारे घर आके। आज भी आपने देखा बहुत सारा मैंने हलीम बनाया है, 5 किलो हलीम बनाया है, तो ज़ाहिर इसीलिए बनाया है कि काफ़ी लोगों को खिलाना है हलीम, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है, देख में बनाया इसीलिए। अभी देखें ये कौरमा है, मैं ले आके देख में डालूंगी इस कौरमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखें मैं इसको पूरे को इसमें देख में डाल दिया इस कौरमे को, और मैं इसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, जबरदस्त तरीके से ये हलीम हमारा रेडी हो जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। हाँ मेहनत तो खैर इसमें होती है लेकिन बनेगा था टेस्ट भी, आप जितनी मेहनत करेंगे ना मेहनत वसूल हो जाएगी आपकी, जितना था टेस्ट उसमें आएगा हलीम खाने में तो आप फिर खुद ही बोलेंगे बहुत ज़बरदस्त। अब देखिए इस तरह मैं और लेकर आ गई हूँ, इसी तरह से ला के इसमें इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसमें ऐड कर दिया मैंने सारा। अब इसी तरह इसको हम चलाते रहेंगे, ये देखिए इसमें मिक्स हो रहा है। कितना आसान तरीका है बिल्कुल बनाने का, इसी तरीके से बनाइए आप बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है। ये देखिए तो ज़बरदस्त लग रहा है, मिर्ची मसाले आप अपनी टेस्ट के साथ रखिएगा, हसबे ज़रूरत जिसे आपकी फैमिली में खाना पसंद करें। अगर मिर्ची मसाले तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ डालिएगा, अगर कम खाते हैं कम डालिएगा, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ ये गोश्त के जो मैंने बताया गोश्त और ये सामान चने की दाल गेहूँ जो बाकी जो दालें हैं वो हम वजन आपको लेनी है गोश्त के साथ। जितना आपको 5 किलो गोश्त लेना था 5 किलो आपको ये मटेरियल लेना दालों का, और 2 किलो आपको लेना है तो 2 किलो का मटेरियल लेना, इस तरीके से आपको हिसाब बराबर रखना है इसका, तब आपका हलीम टेस्टी बनेगा। ये हमारा हलीम का एंड वाला काम हो रहा है, अभी हम इसमें प्याज फ्राई कर रहे हैं, तो ये लास्ट काम ही है हमारा। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे हलीम में, हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है।
हमने इसको प्याज को फ्राई करके तो उसमें हलीम में गरम मसाला डाल के और ये प्याज का और तेल का मैं तड़का लगाऊंगी, हमारा हलीम बिल्कुल रेडी आएगा, फिर मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बिल्कुल रेडी हो चुकी है, थोड़ा ब्राउन कलर में आ गया, बस पे हलीम में तड़का लगाएंगे। ठीक है, देखें कितना प्यारा कलर आ गया, मैं गर्म मसाला डालूंगी हलीम के अंदर और इसमें ये प्याज का तड़का लगाऊंगी। ये देखिए अब मैं तड़का लगा ली इसके अंदर, तड़का लगा दिया, इसमें हम ये गरम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए अब इसे डिश में निकाल के गार्निशिंग करूंगी मैं। देखिए हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ, उसके बाद गार्निशिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये हमारा शाही देखिए हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैं इसमें निकाल रही हूँ, गार्निशिंग का सामान है ये, बारीक बारीक मैंने अदरक काट के रखी हुई है, देखिए और ये लीमू काट के रखे हुए मैंने अलीहदा की डेकोरेशन करने के लिए यानी गार्निशिंग करने के लिए, और ये मैंने ये पुदीना रखा हुआ है और ये मैंने हरा धनिया बारीक कटा कटा रखा हुआ है और ये चाट मसाला रखा हुआ है और ये फ्राई की हुई प्याज मैंने रखी हुई है और ये हरी मिर्ची मैंने रखी हुई है। नमक हसबे ज़रूर आपको डालना चाहे तो डाल सकते हैं बाद में, तो मैंने नमक वैसे रख दिया, गार्निशिंग के लिए थोड़ा नहीं इस्तेमाल में आएगा ये, वो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि ज़्यादा तब आप डाल सकते हो। हमें कर रही देखिए मैं सबसे पहले इसमें पुदीना डालूंगी, पुदीना डाला है मैंने इसमें, ये पुदीना डाला है सबसे पहले मैंने, इसमें हरा धनिया भी इसमें डाल दी थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा पुदीना डाल रही हूँ, फिर हरा धनिया डाल रही हूँ। देखें ये हमारा शाही हलीम है ज़बरदस्त किस्म का, तो ये अदरक जो बारीक कटी हुई रखी थी मैंने वो डाल दी, प्याज में डाली हूँ फ्राई की हुई प्याज मैंने रखी हुई उसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का शाही देगी हलीम रेडी हो चुका है, जितना ये खूबसूरत देखने में लग रहा है इतना ही खूबसूरत ये खाने में भी है। आप खाएंगे फिर आप बताइएगा खा के कैसा बना। ये हरी मिर्ची में इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, ये चाट मसाला भी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं। अब देखें बिल्कुल ये रेडी हो चुका है हमारा शाही देखी हलीम, कितना ज़बरदस्त लग रहा है आपको, देखें जितना ही खूबसूरत ये देखने में लग रहा है इतना ही टेस्टी A1 है ये हलीम, A1 हलीम कहलाएगा, जब आप बनाएंगे आपका हलीम A1 के नाम से मशहूर हो जाएगा। ये हलीम वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।